अपनी व्यथा मैं किसे मैं सुनाऊं, अपनी व्यथा अब किसे मैं सुनाऊं, परशुराम कहकर मैं किसको बुलाऊं, अपनी व्यथा अब किसे मैं सुनाऊं, परशुराम कहकर मैं किसको बुलाऊं। माता पिता का दुलारा था प्यारा, शिव दयाल शिव बच्चन शिवधर का प्यारा, गोदी खिलाया कंधे पर घुमाया, गोदी खिलाया कंधे पर घुमाया, बिरहे का जिसको ककहरा सुनाओ सिखाया। सदगुरु कृपा से बुलंदी को पाया, सदगुरु कृपा से बुलंदी को पाया, हम भाइयों की रुतबा बढ़ाया, परिवार की वेदना क्या मैं बताऊं, परशुराम कहकर मैं किसको बुलाऊं। आभास जाने का जब हो गया था, यह सच्ची बात है, कुछ दिनों से अगर कहीं प्रोग्राम होता था तो मुझे कहता था कि भैया चलबा, 28 तारीख को काशी जी से प्रोग्राम था, रात भर बहुत ढंग से विरह हुआ। 29 तारीख को जब हम लोग आए, हम जब गेट पर उतर गए घर जाने के लिए, तो मुझसे कहा भैया बनारस ना चलबा। हम कहली काहे ना चलब, कहा कि तैयार होकर के आना है। उसको कुछ आभास हो गया था तो मुझसे कहा, आभास जाने का जब हो गया था बनारस चलो भैया, मुझसे कहा था। मोहाओं में तीनों जन आ रहे थे, उठा दर्द सीने में इतना कहे थे। दर्द सीने में जब हुआ तो कहा कि भैया दर्द हो रहा है। अखिलेश से कहा, अखिलेश गाड़ी को रोको, मुझे कुछ उल्टी जैसी हो रही है। गाड़ी रोका लेकिन उल्टी नहीं हुई, फिर हम लोग चल दिए। थोड़े देर के बाद सीने में दर्द हुआ, सर मेरे गोदी में रख सो गया था। वह दिन मुझे याद आ रहा है जब मैं गोदी में खिलाया करता था। उस दिन 16-17 किलोमीटर दूर मेरे गोदी में सर रख करके सो गया था, और मैं यही कह रहा था सद्गुरु को याद रखो, सद्गुरु का नाम जपो, जो ध्यान रखना है जो सिखाया गया है उसका अनुसरण करो, उनके सिवा न कोई भाई है न कोई बेटा है न कोई औरत है, कोई काम नहीं देगा। और जब मेरे गोदी में सर रख करके वह मेरा छोटा भाई सो गया, और मैं सर को सहलाते सहलाते यही मैं कह रहा था, सद्गुरु को रटो सद्गुरु को रटो, उस सद्गुरु की कृपा है। एक शब्द भी मुंह से आह ओह या दर्द की कोई भी ये नहीं महसूस हुआ कि कुछ दर्द भी हो रहा है। एक भाई को शांत हो गया। अखिलेश गाड़ी चला रहा था, उसे पूछा बाबूजी कैसे बाणन, बाबूजी कैसे बाणन। मैं सोच रहा था कि अगर मैं कह दूं, चूंकि मैं वैसे पैसे से भी मैं जानता हूं डॉक्टरी, मुझे पता चल गया था, लेकिन मैं डर रहा था कि अगर मैं कह दूं कि अखिलेश पिताजी नहीं है तो हो सकता है कि संभवतः कहीं एक्सीडेंट कर दे, लेकिन मैं बोलता रहा नहीं सर गर्म है, ठीक है जल्दी चलो अब हम लोगों